तो फाइनली नए साल की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ साथ साल का पहला स्मार्टफोन भी लॉन्च हो गया है, वीवो S1 Pro, जिसकी कीमत है 19,990 रुपए। हालांकि इसमें जो प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 665, इस प्रोसेसर वाले फोन इसकी आधी कीमत में भी मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस फोन में क्या है खास और क्या है बकवास। बात करें इसके डिस्प्ले और डिजाइन की, तो इसमें 6.38 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। साथ में इसके डिस्प्ले में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है। इसके बैक साइड में प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है, बट इसके कैमरा डिजाइन में बिल्कुल ही अलग है। इसमें हमें बिल्कुल रिफ्रेशिंग डायमंड शेप कैमरा मिलता है, जो कि इसके डिजाइन को काफी इनहेंस कर देता है। इसमें हमें 3 कलर वेरियंट देखने को मिलते हैं, व्हाइट, ब्लू और ब्लैक। बात करें इसके कैमरा की, तो इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का बोकी कैमरा मिल जाता है। और इसके कैमरा फीचर की बात की जाए, तो इसमें HDR, AI, सुपर वाइड एंगल, बोकी, सुपर मैक्रो, नाइट मोड, लाइव फोटो जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसके वीडियो कैमरा में स्लो मोशन, अल्ट्रा वाइड वीडियो और शायद आप 4K भी इसमें बना सकते हैं। और इसके कैमरा में इमेज स्टेबिलाइजेशन भी आपको मिल जाती है। अब बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिलता है और इसमें 8GB रैम विद 128GB स्टोरेज मिल जाती है। इसके अलावा इसमें कोई भी और वेरिएंट नहीं मिलता है। तो अगर आप इसमें PUBG, COD जैसे हैवी गेम खेलना चाहते हैं, तो इसमें ये सभी गेम्स मीडियम सेटिंग पर ही खेल पाएंगे और कहीं ना कहीं आपको इसमें फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। अगर बात करें स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर की, तो इस प्रोसेसर वाले फोन आपको इसी की आधी कीमत में मिल रहे हैं, जैसे कि रियलमी 5i और रेडमी नोट 8। अब बात करें इसकी बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर इसमें 4500mAh की बैटरी दी गई है, जिसको आप 18W के डुअल इंजन फास्ट चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है कि इसमें फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी और फीचर की बात की जाए, तो यहाँ पर फन टच OS 9.2 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 9 पाई मिलता है और इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है विद वाईफाई 2.4 GHz प्लस 5G का सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है, बट ओनली वाईफाई। डुअल सिम, ब्लूटूथ 5.0, USB टाइप सी, 3.5mm ऑडियो जैक, FM, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर विद फेस अनलॉक और फास्ट चार्जिंग और सभी तरीके के इसमें सेंसर आपको मिल जाते हैं। बात करें इसके कुछ खामियों की, तो सबसे पहले इसका ओवर प्राइस, जो कि 19,990 रुपए है। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इसका प्राइस एक्चुअल में कितना होना चाहिए था। सेकंड, इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दी गई है। और थर्ड, इसमें अभी भी प्लास्टिक की बॉडी इसमें मिलती है, हालांकि ये 20,000 का फोन है तो भी इसमें प्लास्टिक की बॉडी मिलती है। फोर्थ, वही पुराना अभी भी इसमें 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा दिया गया है, जो कि पिछले साल पूरे कंटिन्यूस हुआ था, जो कि अभी 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, वो भी इससे कम प्राइस में। तो ये था फुल डिटेल रिव्यू Vivo S1 Pro का। और आपका कोई भी सवाल और सुझाव हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपके को नई वीडियो के साथ, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।